स्कूल बस दुर्घटना की बढ़ती संख्या के कारण परिवहन विभाग अब हरकत में आ चुका है। नवी मुंबई थाना और पनवेल में घटी बस दुर्घटना के बाद स्कूल बस की सुरक्षा का विषय चर्चा में आ चुका है। इन बढ़ती दुर्घटनाओं की संख्या को देखते हुए स्कूल बस चालकों में जन जागृति करना जरूरी हो गया है। इसी के चलते पनवेल प्रादेशिक परिवहन विभाग और कलमबोली पुलिस और यातायात विभाग द्वारा मंगलवार को कलमबोली स्थित सुधागढ़ एजुकेशन हाई स्कूल में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक के लिए पनवेल कामोटा और कलमबोली के स्कूल बस चालक और मालक उपस्थित थे, जहां पर बस में किन चीजों के इस्तेमाल की जरूरत है और सुरक्षा के चलते गाड़ी में किस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, इसकी जानकारी उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालक मालकों को दी। शाळेची ओळख पटण्याकरता वाहनाच्या खिडकीखाली सर्व बाजूंनी 150 मिलीमीटर रुंदीचा विटकरी पट्टा रंगवलेला असेल, ज्यावर शाळेचं नाव लिहिलेलं असेल। लक्षात आलं, खिडकीच्या खाली 150 मिलीमीटर रुंदीचा पट्टा पाहिजे चारी बाजूने आणि त्यावर शाळेचं नाव पाहिजे। शाळेचं नाव, पत्ता आणि मोबाईल नंबर व शाळेचा संपर्क नंबर असला पाहिजे। धरलेले आहे, आपण कुठलीही बस 15 वर्षापेक्षा जुनी मुलांची वाहतूक करण्याकरता वापरू नये। आता त्याकरता आम्ही अजून 100% बंधन केलं नाही, पण वापरू नये असं आमचं म्हणणं आहे। नाही, बस आम्ही बघत असतो, तरी पण काय बरेच पांढरा जुने झाले असतात, अचानक रिकाम होतात, ब्रेक फेल होतो, अशा बस मुळे अपघात होण्याची शक्यता जास्त असते। जेणेकरून मुलींना त्यांच्या अडचणी सांगता येतील असा त्यामधला विषय आहे। त्याला जाण्याचा दरुस्त एखादी स्त्री प्रतिनिधी त्यामध्ये शाळेमध्ये असावी। वाहनाची जी पहिली पायरी आहे, आजकाल ज्या बस बनवले जातात त्या जनरली मोठ्या व्यक्तीच्या चढण्या उतरण्याच्या सोयीच्या आहेत, लहान मुलाचा विचार जनरली केला गेला नाही आजपर्यंत। पण शाळेच्या बसच्या दृष्टीने लहान मुलाचा विचार केला गेला नाही, इस बैठक को संबोधित करने के लिए मोटर वाहन निरीक्षक शिवाजीराव माने, पुलिस निरीक्षक जयंत पाटिल, कलमबोली सहायक पुलिस निरीक्षक अवधुंबर पाटिल आदि गणमान्यों सहित वाहन चालक मालक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।